गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और मैं अभी हूँ मनीषालेस में, अपने अपार्टमेंट में। अगर आप लोग मेरा व्लॉग फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले 7-8 दिन से मैं मनीषालेस में हूँ। मनीषालेस एक सिटी है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कालदास, वहाँ का कैपिटल है मनीषालेस। बेसिकली वहाँ पे हूँ और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है एक वोल्केनो, नेवादो डेल रुइस। बेसिकली ये वोल्केनो जो है एक्टिव वोल्केनो है, इसका इरप्शन कभी भी हो सकता है, इसीलिए आसपास के जो गांव हैं उसके लोगों को अलर्ट में रखा गया है। और इसका बहुत डार्क हिस्ट्री है क्योंकि इसका बहुत बार इरप्शन हो चुका है कोलंबिया में, और उसकी वजह से बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा। तो वो वोल्केनो फिलहाल अभी तो शांत है बट एक्टिव है, मतलब कभी भी इरप्शन हो सकता है। और उसका जो मेन पीक है वो हमेशा बर्फ़ में ढका हुआ रहता है क्योंकि बहुत ऊंचा है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं नेवादो डेल रुइस, नेवादो मतलब स्नो पीक। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और अभी सुबह के लगभग 6 बज रहा है, 6:30 बजे मेरा पिकअप है। और पिकअप करने के बाद एक ग्रुप टूर में जा रहा हूँ। बेसिकली ये कंपनी हम लोगों को, ये ग्रुप को लेके जाएगा एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़ेंगे वोल्केनो के तरफ। तो बने रहिए, आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो नेवादो डेल रुइस है, यहाँ पे पिछले साल भी गया था, 1 साल पहले, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि मेरे लिए कोलंबिया का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस यही है, क्योंकि हम ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह पे जाते हैं जो जगह एकदम बिल्कुल मून जैसा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत पहले का मैग्नम वगैरह जो है वो एकुमुलेट होकर अच्छा नज़ारा क्रिएट किया हुआ है। तो मैं फिर से वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी। चुका हूँ फर्स्ट स्टॉप, जिसका नाम है लागुना नेग्रा या ब्लैक लेक। और आप देख सकते हो कि ये है वो लेक, ब्लैक कलर का है इसका पानी, इसीलिए इसका नाम है लागुना नेग्रा। और यहाँ पे बहुत सही नेचर है, यहाँ पे पूरा बादलों से घिरा हुआ है और ये पूरा पारामू इकोसिस्टम है। बेसिकली पारामू मतलब थोड़ा वेटलैंड टाइप का होता है, जहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पौधा रहता है, इसका नाम है फ्राइलेहोनिस, जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थोड़ी देर में। अभी एकदम अचानक से बादलों से कवर हो गया पूरा हर तरफ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। ये वाला कार है हमारा, हम 6 लोग हैं ग्रुप में, तो इसी में आए हैं। ये 4x4 है। ये फर्स्ट स्टॉप एक वाटरफॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। सिचुएशन पे ड्राइविंग भी बहुत रिस्की है क्योंकि विजिबिलिटी है ही नहीं। ये अभी हम नेशनल पार्क के एंट्रेंस में पहुँच गए हैं, पार्क नेशनल लॉस नेवादोस यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये नॉर्थ सेक्टर है, यहाँ से फिर और चढ़ाई शुरू होगा अपना। और एक छोटा सा इंडक्शन हुआ था जिसमें इन लोगों ने ये इकोसिस्टम के बारे में बताया था और यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग अपना जो अपवर्ड जर्नी है वो शुरू करेंगे। देखिए माउंटेन का कितना अच्छा व्यू है, और यहाँ से पानी गिर रहा है। और ये हम लोगों का कार है, 3 कार है, 3 ग्रुप का।
एल्टीट्यूड है 4160 मीटर्स अबव सी लेवल। और यहाँ पे जो पानी है ये हमेशा गिरता रहता है 24/7, कभी बंद नहीं होता। सेकेंड स्टॉप में पहुँच गया। बहुत ज़्यादा ठंड है बट अब देख सकते हो कि कितना सुंदर है नज़ारा। ये जो डार्क डार्क है ना, एक्चुअली ये वोल्केनिक इरप्शन से है। और आगे भी देख सकते हो पूरे माउंटेन्स वगैरह सब डार्क है। इस तरफ भी पूरा डार्क डार्क है। अभी थर्ड स्टॉप पे पहुंच गया है भज दे ललूना। ये ग्रे कलर का इसीलिए है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से और लावा से ये कलर आया है। ऐसा नज़ारा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। और हम लोग का जो ग्रुप है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब वहाँ पे है। बहुत सही व्यू है यहाँ का। यहाँ पे मिट्टी का कलर देखिए डार्क है। ये इसी के वजह से है, वोल्केनिक इरप्शन के और लावा की वजह से ये ऐसा कलर आया है। ये है वाजेस लूनारेस 4367 मीटर्स। इस लास्ट स्टॉप है और बेसिकली हम लोग जा रहे हैं भाजे दिलास टोम्बस, जो है वैली ऑफ टोम्स। और वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा वॉक है, 30-40 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। बट हाइट बहुत ज़्यादा है, 4400 मीटर है, तो थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। और पूरा देखिए मून जैसा ही है एकदम, और एकदम बादलों से घिरा हुआ है, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे आया था बट लास्ट ईयर काफ़ी सनी था, तो इस बार अक्टूबर में आया शायद इसीलिए ज़्यादा क्लाउडी है, वेदर थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। लास्ट ईयर जून में आया था तो काफ़ी अच्छा वेदर था, धूप था और काफ़ी क्लियर था। बट इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है और उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ पे आसपास। ये जैसा मैं बोला था ना, ये एक्टिव वोल्केनो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्केनो इवैक्यूएशन रूट इस तरफ, अगर इरप्शन होता है तो। भाजे दे लास टोम्बस पहुँच चुका हूँ, बेसिकली वैली ऑफ टोम्स बोल सकते हो। थोड़ा 30-40 मीटर का वॉक था बट थोड़ा चढ़ना पड़ा क्योंकि माउंटेन है और उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। और आप देख सकते हो कि चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है एक्चुअली, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरफ एक कैनियन है और इसीलिए इस तरफ ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद थोड़ा क्लियर हो जाए थोड़ी देर में, तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। फाइनली थोड़ा क्लियर हुआ है, तो इसके पीछे वाले जो माउंटेन्स है वैली के चारों तरफ वो दिख रहा है। बट उस तरफ कैनियन अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ, इस तरफ अभी पूरा क्लियर हो चुका है, तो जो कैनियन है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और चारों तरफ जो माउंटेन्स वगैरह है
वो भी बहुत सही से दिख रहा है। हो गया भाजे दिलस तुम बस एक्सप्लोर कर लिए थोड़ा टाइम। यहाँ पे थे हम लोग 30-45 मिनट तक हम लोग स्पेंड किए और फोटो वोटो खींचा। अभी वेदर थोड़ा क्लियर भी हो गया बाद में, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया सब लोगों ने। तो अभी बस कार की तरफ जा रहा हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। अभी आई थिंक सब ज़ीरो टेम्परेचर है, 0 या -1 -2 ऐसा कुछ होगा। तो अभी कार की तरफ जा रहा हूँ, हम लोग को वापस जाना है, फिर नीचे जाके फिर हम लागुना नेग्रा और ब्लैक लेक के पास जाएंगे और वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। उसके बाद और कहीं जाना है तो चलते हैं, फटाफट चलते हैं, कार में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ गया हूँ और चलिए फिर लंच की जगह पे जाके बात करता हूँ। पहुँच गया आज का लास्ट डेस्टिनेशन जो है थर्मालिस दे ओतेनियो, बेसिकली हॉट स्प्रिंग्स है। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 घंटा पानी में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और ऐसे ही कोल्ड प्लेसेस के बाद ऐसे हॉट स्प्रिंग में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो अभी जा रहा हूँ अंदर, अपना जो गाइड है वो टिकट बुक कर रहा है सबके लिए। बेसिकली ये भी एक होटल ही है और उसके साथ कुछ हॉट स्प्रिंग्स है, जैसे यहाँ पे एक है और उस तरफ भी है। यहाँ पे इस तरफ एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, किसी को खाना है या लंच डिनर वगैरह करना है तो कर सकता है, बट हम लोग तो ऐसे खाना खा के आए हैं। तो बस अभी जाता हूँ पानी में और क्या। इसमें 3 पूल है बेसिकली, अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक पूल है छोटा सा और यहाँ पे एक है और एक पूल इस तरफ है। तो गाइज हॉट स्प्रिंग से निकल गया हूँ, लगभग 1.5 घंटा पानी में था और अभी नहा के फ्रेश हो गया और अभी बस जाऊंगा और गाड़ी में बैठ के मनीसालेस में अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव फन, एन्जॉय योर लाइफ, चाओ, हस्ता लुएगो।